और भाई पप्पू क्या हो गया? पप्पू भाई कैसे उदास दिखे हैं? बस वैसे ही थक के बैठ गया यार। अरे ले तू पानी पी, ये ले पानी पी। भाई हम तो तुझे नू बताने आए हैं कि जप्ते के चक्कर में राजेंद्र ने फिर से पंचायत रखे हैं। अच्छा मतलब लट झपटे की देह भी मांग रही है। अरे लट तो उसमें बचना ही चाहिए। हम तो तुझे बताने आए ये कालू और नाई ये दोनों ने भाई गड़बड़ कर रखी। बैठते पूरी तैयारी में आई हो भाई। अब तो पंचायत ही करेगी कोई फैसला, मैं क्या करूं बताओ। छोटी जल्दी हार मान गया के लुगाई तो तेरी भी है तो बता क्या करूं, लेके भाग जाऊं उसे? अरे तू क्यों भागेगा भाई हैं? ले राजेंद्र का इलाज कर। के इलाज करूं उसका? वो तो खुद ला इलाज है। तो हम बतावेंगे उसका इलाज। तू कुछ ऐसा कर दे कि राजेंद्र की बीवी उसके डब को झाके भी ना। मेरी तो बात भी ना सुनती वो, ना वो मुझसे बोले, मैं क्या करूं ऐसा। तो एक काम कर सकता है कि राजेंद्र को उसके दौरे जाने से रोक सके है। कैसे? देख भाई अगर पंचायत का फैसला राजेंद्र की तरफ जाते दिखे है तो तू फैसला ना होने दे। इस तरह टाइम मांग ले और जितने दिन टाइम है उतने दिन भाव किसी की नहीं है। फिर उतने दिन कौन सोवेगा उसके दौरे? कोई नहीं तो टाइम ले ले। टाइम लेके होवेगा के? अरे तो टाइम तो ले, ये बताऊंगे तुझे हम क्या करना है। चल ठीक है फिर। ठीक है चल भाई, छुट्टी का नुक्ता मिलते हैं फिर तुझे। चल भाई यार, अगर यो इन पागलों का मुकदमा से खत्म हो लिया तो की मजा रहेगा गांव में भाई। तो हम इतनी जल्दी खत्म होने देवेंगे क्या? चला जा। आओ हमरा डार्लिंग, हमरा गले मिलो। यस तुमरा दिल कितना कुरकुरा बाजी। अरे बावड़ी तन्ने बीड़ी का मंडल तोड़ दिया मेरा, ये ले बैठ बैठी। जी ना तुमसे एक ठो बात छुपाए, अगर तुम गुस्सा ना ही करो तो हम बतावत हैं। बेटी पप्पू से तो लगी नहीं, हमरा उसे कोई लेना देना ही है। हाँ आजी तुम गुस्सा ना ही करोगे ना? नहीं करूंगी ना भाई, माहिर हुआ। आप पहले हमरा सौगंध खाओ। नहीं करूंगा ना गुस्सा, बताओ। हम ना खाई नहीं खाते हैं। मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अजी आप तो हमरा सौगंध खाए थे ना कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। अजी आप भी तो 24 घंटा बीड़ी फूकते हो तो आपको जैसे बीड़ी की आदत है वैसी हमरा खाने की आदत है। हमरा खाना नहीं पचता है तो बार बार क्यों बता रही है? ठीक है ला दूंगा। अजी मेरे लिए खैनी ला दोगे ना? ला दूंगा ना। अजी हम ना खैनी के 40 ठो पुड़िया लाए रहनी। हाँ वो 40 पुड़िया खत्म हो गया, अब तो खाना हजम हो ही नहीं रहा है, का करे हम? यार मैं तो खैनी खाता भी ना हूँ, अगर गांव में से किसी से मांगी तो शक करेगा। वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं, आप हमसे प्यार करते हो तो हमारे लिए खैनी लाओगे? अबे यार प्यार में लगता मांग, कपड़ा मांगती, कुछ और मांगती, जेवर मांगती, मांगी तो खैनी मांगी। अजी खैनी के बिना मेरा खाना भी नहीं पचत है। मेरा हाथ भी उठ जा। अजी आप तो सौगंध खाए थे ना अभी कि खैनी ला दूंगा। हाँ चल ला दूंगा। अभी कोई और ख्वाहिश तो नहीं रह रही है दिल में? और कोई तो रहस्य नहीं है तेरा? अजी छोड़ो ना, हम शादी से पहले की बात याद करना नहीं चाहते। हमरा मन भर जात बा। हाँ? अरे लपेटा तू तो पढ़ा लिखा है ना, ले यू चिट्ठी पढ़ के बता
और सबको सुना जोर जोर से। सेवा में जी तो नहीं करता मानने को, फिर भी माननीय ग्राम प्रधान जी, मैं गांव का नागरिक झपट राम राजेंद्र पप्पू लुगाई विवाद पर फिर से पंचायत बिठाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त राजेंद्र बहुत ही असहनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, मुझे बदला लेना है। मेरे दोस्त और उसके मामा श्री जगते जी की बेइज्जती का, मुझे गीदड़ मत समझना, जब झपटा झपटेगा ना बस आगे समझ लो। लल्लन तू झूठ बोल के जीतता है हर बार प्रधानी में, इबके जीत के दिखाइए। गांव का प्यारा समाज सेवी झपट राम। बताऊंगा सारे तुझे। तो गांव वालों, आपने सब सुन लिया होगा कि ये पंचायत क्यों बुलाई है। बोलो झपट राम जी, क्या कहना है? बोलना के है सही नहीं करा पंचायत ने, तो आप ही कुछ कर दो। अभी तक तो पंचायत ने कुछ किया भी नहीं, बहुत राजेंद्र हत्या रखी है। मगर अब पंचायत जरूर कुछ करेगी, तो आप बताओ आप क्या चाहो? मैं ये कहना चाहता हूँ पप्पू झूठ बोल रहा, पप्पू ने कोई पैसा नहीं लिया, पप्पू तो इसकी लुगाई हड़पने के चक्कर में लग रहा। झपट राम जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि पप्पू ने पैसे नहीं दिए? जब दिए ही ना इसने, पैसे तो मेरे थे। हमारे पास तर्क और गवाह हैं इस बात का। तो क्या तर्क है आपके पास? जा रहे हो जा रहे। इस पप्पू की तो मंगल की साढ़े की छोरी तक कैसा यो, क्या बकवास कर रहा है? मंगल तो यहाँ है नहीं, वरना तुझे भी टैग करके नीचे दे के मार देता। ऐसे कैसे मार देगा? मैं सबूत दूंगा, गवाह दूंगा, यू बैठा नहीं का। इसने देखा 12 पे घूमते हुए, बागों में घूमते हुए, रस्ते में घूमते हुए। साले नाई, तूने कब देखा बे झूठे? कल ही तो देखा, दोनों दांत फाड़ते हुए जा रहे थे। मैंने तो बस उसकी गड्डी उठवाई थी। यही तो कह रहा हूं मैं, गड्डी उठवाई। पप्पू तू बता इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। साले तू तो पहले से ही जा रहा है, पिछले साल तेना घसारी छेड़ी खेत में, नाम लिखी मेरे, तू जारी सब आज नहीं आ रहा, इसीलिए तो मेरी घरवाली को हत्या ना चाह रहा तू। भाई अब छोरी को बुलाया जाए, अब वही बताएगी सब कुछ। प्रधान जी वो सब तो शाम ही चंडीगढ़ गए, 3-4 दिन में आऊंगे, ताला लग रहा है उनके घर पे। तो ठीक है, तो 3-4 दिन बाद ही होएगा इस बात का फैसला फिर। प्रधान जी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे डर क्यों रहा? तेरे को तो अभी जूते भी पड़ेंगे। प्रधान जी मेरी बात का विश्वास करो। देख पप्पू, मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, पर इनकी बात को मैं बिना छोरी के गवाही के गलत नहीं मान सकता। तो फैसला तभी होगा जब छोरी आ जाओगी। ठीक है, अगर उस छोरी से मेरा कोई मतलब ना निकला तो घरवाली रहेगी मेरी, और राजेंद्र का कोई हक नहीं है रहने का, क्योंकि राजेंद्र मुझे बदनाम कर रहा है। और हाँ, जब तक पंचायत का कोई फैसला नहीं हो जाता तो राजेंद्र सोगा बाहर मेरे धोरे और माँ सोगी भीतर। तो हाँ भाई राजेंद्र है मंजूर? हाँ जी प्रधान जी मंजूर है। अरे नहीं, तू भी बोल रहा, तू देगा अपने घरवाले को? मैं क्यों दूंगा? बोल तू यार, चल ठीक है। ठीक है प्रधान जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, फैसला अगली पंचायत में होगा। और झपट राम तू भी सुन ले, अगली बार चिट्ठी किसी सही आदमी से लिखवाइए जो तुझे ना फंसवावे। अब ये पंचायत यही समाप्त। राम राम। अरे भाई लो बेटा, ये छोटमोट काम से कब तक तो गुजारा चलेगा? वो कलवे के उजरत भैंस बेच के जो
पैसे आए थे ना वो तो खत्म हो लिए, उसका तो राशन ले आए, सब खत्म हो गया। और पुड़िया का नशा करे भी यार घने दिन हो लिए। कल वो सेरा के गुंडे मिले थे मुझे, उनके 2 लाख रुपए हो लिए पुड़िया के और दारू के। वो जो भैंस बेच के 10,000 रुपए बचे थे ना, बड़ी मुश्किल से उन्हें दे के पीछे छुड़ाया मैंने। अच्छा अब कैसे होगा यार, शेरा तो मैं जान से मार डालेगा। बड़ी मुश्किल से 2 महीने का टाइम दिया दालों ने, लंगड़े की मोटरसाइकिल भेज देते, थोड़ा उसको बेच के काम चलाएंगे। उससे कितना काम चलेगा यार, पांच 6,000 होंगे, बाकी का बाद में देखेंगे, पहले उसे तो पार कर दे। ठीक है तो फिर आज शाम को ही पहुंचा देते अपने ठिकाने पर। कल को फोन कर कबाड़ी को आगे ले जाए। हमारा तो सारा ही चोरी और ठगी है। नहीं वैसे तो तू एक नंबर का झूठा, पर मुझे तेरी इस बात का विश्वास है। पहलवान जितना मैं प्यार तुमसे करता हूँ ना उतना मैं अपनी लुभाई से भी ना करता हूँ। और एक बात ध्यान रखिए, अगर तेरी बात झूठी निकली फिर देख ले तेरा क्या होगा। पहलवान जी मेरा उस्तरा और मेरी नाट अलग कर जाकर झूठ बोल। भाई मुझे लगता ना कि वो झूठ बोल रहा, पप्पू की छोड़ के सेटिंग जरूर होगी। ये करा पप्पू कैसे पसंद है छुट के, उस छोरी का नाम सुन तो ही। अरे तो फिर हाथ क्यों रोक लिए, मसाज हाथ से कर रहा है मुझसे कर रहा। देख भाई 2-4 दिन की बात है, तू बाहर सो लीजिए, कभी कुछ गड़बड़ कर दे। कैसी बात कर रहा मम्मा, पंचायत का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। चल तो एक काम कर, तू मसाज करवा और मैं चलूं। ठीक है मेरी भी आ जा। अरे बहन इस बात को लेके गांव में लोग खूब मजे ले रहे हैं। एक गलती इन दोनों की ना है, गलती समाज की है। वो कैसे? आजकल लोग गरीब के घर में लड़की देना ही नहीं चाहते। सही कह रही हो बहन जी आप। गरीब से गरीब लड़की वाला भी नौकरी वाला या जमीन वाला छोरा देखे। अब बता दोनों भाई कमा रहे थे, कमा के खा रहे थे, कई जगह इनके रिश्ते की बात चली थी, तुमने सुना तो होगा। अब बताओ कोई पढ़ाई को लेके मना कर दे और कोई जमीन ने लेके मना कर दे। बहन जी ये बात आप सही कह रही हो, आजकल छोरी वाले छोरे वाले को कुछ ना समझते। सही कह रही हो बहन जी तुम। अब बता ब्याह होना भी जरूरी है, घर में काम के लिए औरत भी चाहिए, और इनके मामा ने एक ही काम गलत कर दिया, दोनों का कह के ब्याह करवा दिया। बहन तुम सही कह रही हो, बहन अब तेरे का मामला घने केड़ा पड़ गया। देखो अब क्या होता है, भगवान का जाने अब क्या होगा। सो जा घने तड़पे ना।
पंचायत के हुक्म की कुछ तो कदर कर ले झूठे आदमी। मेरे ससुरे तू कितना सच्चा आदमी है मैं सब जानू। जा रहे सो जा पजारा सारे। हाँ सो जा बस तू जा। जुगाड़ी फेरे जुगाड़ी।